जैसे लास्ट टाइम हमने बोला था कि जो क्वेश्चन पे एंड अप किए थे, बेबी कर्व पे हम लोग एंड अप कर गए थे, तो वो बेबी कर्व पे मैंने क्वेश्चन दिया था. सो क्विकली, जनरली इट्स अ टॉपिक ऑफ एटलीस्ट 1.5 आवर, बट आई विल ट्राई टू समराइज द होल थिंग लाइक 15-20 और हाफ एन आवर में समराइज करता हूँ आइडिया को. सो रादर देन कीपिंग दिस ओपन डिस्कशन, आई विल ट्राई टू टेल दोज थिंग्स माई सेल्फ. ओके, एक बार देखना उस चीज को. सबसे पहले इस पे आते बेबी कर्व. बेबी कर्व हम स्टार्टिंग में स्लाइटली स्लो साइड रहेगा, सब लोग पेशेंस रख लो, क्लैरिटी आ जाएगी हाफ एन आवर में सबको. सपोज कर लो क्वेश्चन ऐसा आता है, एक्स माइनस वन इंटू से एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री. मान लो ये एक कोई क्वांटिटी है, ये कब ग्रेटर देन जीरो है, ये कब लेस देन जीरो है, कब इक्वल टू जीरो है. ओके, किन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए ये बिहेव इस तरीके से करेगा. तो जनरली वी स्टार्ट विद वन ब्रैकेट, देन टू ब्रैकेट, देन थ्री ब्रैकेट. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग सो स्लो, लेट अस स्टार्ट विद टू ब्रैकेट्स. मैं अभी इसको हटा देता हूँ, अभी टू ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूँ. एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो. वी ऑल अंडरस्टैंड दिस, बट लेट अस बी मोर क्लियर ऑन दिस वन. अब देखो, रियल नंबर्स इस तरीके से हो गए. इसमें मान लो यहाँ पर कोई वन है, यहाँ टू है. हमको पता है कि दिस इज इक्वल टू जीरो ओनली एट वन एंड टू, वो बहुत क्लियर सबको. ना व्हेन इज दिस पॉजिटिव, व्हेन इज दिस नेगेटिव, इसको करने के लिए जनरली एक ही स्ट्रेटेजी हमारे पास होता है. वो ये है कि पॉजिटिव प्रोडक्ट उस समय होगा जिस समय दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे. विच इंप्लाइज वो वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड करो जिसमें ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव हो और ये भी पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव हो, या फिर ये पूरा क्वांटिटी नेगेटिव हो, ये पूरा क्वांटिटी नेगेटिव हो. नाउ एक्स माइनस वन को मान लो मैं ग्रेटर देन जीरो सोचता हूँ, दोनों साइड वन ऐड करके एक्स इज ग्रेटर देन वन आया था. तो वन से बड़ा में मान लो मैं देखने का ट्राई करूं. ओके, मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ. दिस इज वन, दिस इज टू. तो मान लो मैं एक्स माइनस वन एक क्वांटिटी लिखता हूँ और एक एक्स माइनस टू लिखता हूँ. एक्स माइनस वन वन से आगे हर जगह पॉजिटिव है. पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि इन केस मान लो एक्स में वन से बड़ा कोई वैल्यू पुट करें, से टू या थ्री या फोर पुट करते हैं, 1.1 भी पुट करते हैं, तो 1.1 माइनस 1 इज 0.1 व्हिच इज ग्रेटर देन 0. सो इसके आगे कोई भी एक्स पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी जो है पॉजिटिव होगा. इससे इधर सिमिलरली कोई भी एक्स पुट करेंगे यहाँ पर, तो एक्स माइनस वन जो क्वांटिटी हो क्या होगा, नेगेटिव. एक्स माइनस टू का सिमिलरली देखेंगे तो टू से आगे पॉजिटिव एंड टू के बाद इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव. ओके, तो प्रोडक्ट क्लियरली पता चल जा रहा है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है. तो इन केस इसका प्रोडक्ट देखने का ट्राई करेंगे, यहाँ पॉजिटिव और बीच में नेगेटिव. ओके, सिमिलरली वी ट्राई टू डू फॉर थ्री फैक्टर्स, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, एंड वी गेट टू द कंक्लूजन इन अ सिमिलर वे. तीनों पॉजिटिव तीनों नेगेटिव, ऐसे करके तीनों पॉजिटिव दो नेगेटिव एक एक पॉजिटिव, तो सिमिलर कंक्लूजन वी मेक. ओके, इसके बाद हम लोग एक बहुत सिंपल सा पॉइंट ऑब्जर्व करते हैं जो यहाँ भी हम देख सकते हैं. वो ये है, हो क्या रहा है कि ये टू और वन, दीज आर द पॉइंट्स अराउंड विच दीज फैक्टर्स चेंज देयर साइन. इसे ये अपना सेम साइन चेंज कर रहा है टू के अराउंड. टू के पहले ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, टू की इधर ये क्वांटिटी नेगेटिव है. सिमिलरली ये अपना वन के अराउंड चेंज कर रहा है, वन के बाद इधर पॉजिटिव है, वन के इधर नेगेटिव है ना, वन के अराउंड चेंज कर रहा है. सो इट्स लाइक दीज क्वांटिटीज आर चेंजिंग देयर साइन अराउंड दीज टू फैक्टर्स. ओके, तो कहीं भी, तो मतलब टू के आगे कोई भी नंबर लेंगे तो दोनों का बिहेवियर सेम रहेगा. टू के आगे कोई भी लेंगे तो दोनों का बिहेवियर सेम रहेगा, बिकॉज ये क्वांटिटी चेंज ही उस समय कर रहा है जब टू के इधर आता है. ओके, एक्स माइनस टू चेंज ही तब कर रहा है जब टू की इधर आता है. ऑलराइट, सो यहां पर टू के आगे हम कहीं भी चले जाएंगे तो इसका बिहेवियर इस प्रोडक्ट का सेम रहेगा. विच इम्प्लाइज कोई भी वैल्यू पुट कर दो, जैसे इन्फिनिटी पुट कर दो. इन्फिनिटी मतलब ए वेरी लार्ज वैल्यू. इन्फिनिटी पुट करने अगर आप एग्जैक्ट मीनिंग लेने का ट्राई करते हैं, इट डजेंट मीन इन्फिनिटी पुट करना, इट मीन्स कि कोई भी एक लार्ज वैल्यू आप पुट कर दो. ऐसे इन्फिनिटी इज डिफाइंड एज अ नंबर लार्जर देन यू कैन इमेजिन. सो यू कांट इमेजिन ऑब्वियसली. सो इट्स लाइक एक्स यहाँ पे कोई भी लार्ज वैल्यू पुट कर दो, 100 पुट कर दो, क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव बोथ द क्वांटिटी. सो ये इधर तो पॉजिटिव हो गई होगा. उसके बाद जब हम यहाँ से यहाँ आते हैं, मतलब इफेक्टिवली टू के जस्ट बाद से टू के इधर आते हैं, है ना, इसे क्रॉस करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, देयर आर टू फैक्टर्स. एक्स माइनस टू चेंजेस इट्स साइंस अराउंड टू, बट एक्स माइनस वन ऑब्वियसली डजेंट, है ना. ये चीज हमको देख के पता चल रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है. तो जब x माइनस वन यहां से यहां तक आने में अपना साइन चेंज नहीं किया, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर्स हैज चेंज्ड इट्स साइन, सो क्लियरली हो क्या रहा है कि पॉजिटिव से नेगेटिव एक फैक्टर हो रहा है. तो यहां पर प्रोडक्ट क्या था, पॉजिटिव. क्यों, हम लोग यहाँ पुट करके देखे थे पॉजिटिव आ रहा था.
तो जैसे ही हम टू का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, इतना पता है कि एक्स माइनस टू अपना साइन चेंज करेगा, बाकी सब चीजें सेम रह जाएंगे, तो क्लियरली इनकेस यहाँ प्रोडक्ट पॉजिटिव था, यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। ऑलराइट, इधर इनकेस प्रोडक्ट पॉजिटिव था तो इधर हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव था तो सिमिलरली यहाँ पे वन के अराउंड क्या हो जाएगा, वन ऑफ द फैक्टर्स विल अगेन चेंज साइन बट अदर फैक्टर विल नॉट। तो यहाँ पर भी एक ही फैक्टर अपना साइन चेंज कर रहा है, तो पहले से इनकेस ये माइनस आ रहा था, तो माइनस के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। So this is positive, this is negative, this is positive. So we could have made this inference similar to what we made yesterday in Trigo. We could have made this inference, okay? So यही चीज़ है, x minus 1 into x minus 2 greater than 0 हमको लेना है, तब ये वाला zone और ये zone pick कर लेंगे, less than 0 लेना है तो ये zone pick कर लेंगे. So this is what wavy curve is, okay? This is what wavy curve is. Having said that, इसमें दो तीन और points होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, basic points. Suppose कर लो मैं question B डालता हूँ, B है ऐसे x माइनस वन का स्क्वायर x माइनस थ्री का क्यूब इंटू x, ठीक है, अभी लीनियर लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता है डिनोमिनेटर से, इंटू से x माइनस फोर का पावर फोर इज ग्रेटर देन जीरो, मान लो ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले लो, ठीक है। सिमिलरली लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस का, इस टाइप के बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, सम ऑफ देम बीइंग सम ऑफ देम स्लाइटली ट्रिकियर एज वेल, ओके। यही आइडिया हम लोग यूज कर रहे थे वहां पर, इसमें हम लोग को पता है कि देखो अब इसमें अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करेंगे, फिर से भैया वो जोन देखना पड़ेगा जहां पे सब पॉजिटिव है, वो जोन देखना पड़ेगा जहां पे सब नेगेटिव है, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि एक्स माइनस, मतलब इन सब का बिहेवियर से पता चल रहा है कि किसी किसी पॉइंट के अराउंड इनका वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है। तो अब देखो पुराना अंडरस्टैंडिंग लेके बढ़ने का ट्राई करेंगे तो दिमाग में क्या आता है, बहुत सिंपल सा मान लो सोचने आते हैं, वेवी कर्व लगा रहे हैं, ओके, आई गेस इट्स ओके नाउ, अब ठीक है, नहीं अभी स्टेबल नहीं है, आपका रेड शो हो रहा है सिग्नल अभी, हाँ थोड़ा। सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट मान लो बेसिकली करना है हमको, कुछ ऐसे रूल्स नहीं पता था, हम देखो कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन में, हम बोलेंगे इस क्वेश्चन बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पहले ग्रेटर सोच लेते हैं, फिर इक्वल टू सोचना तो बहुत आसान है, इक्वल टू के लिए फोर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, वन हो जाएगा, चार केसेस ही हैं, बाद में इंक्लूड कर लेंगे आंसर में। ग्रेटर के लिए क्या है, ये तो अपना साइन चेंज करनी, हर जगह पॉजिटिव ही है एक्सेप्ट फोर, तो वो जो फोर जीरो थ्री और वन को हटा दिया वो तो आंसर आ गया है, तो ये हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव है, हटाई दो इक्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज पॉजिटिव क्वांटिटी बीइंग मल्टीप्लाई डजंट अफेक्ट इनइक्वालिटी, राइट। सो ये दोनों को ऐसे ही हटा सकते हैं, इन दोनों का सिंपली स्टडी करने चले जाएंगे, उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा काम क्या रह जाएगा, सिंपली एक्स और जीरो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, जीरो, बिकॉज एक्स माइनस जीरो एक्स माइनस थ्री, तो थ्री लेते हैं। अब इन दोनों को स्टडी करने का ट्राई करेंगे तो हम क्या बोल देंगे, थ्री के उधर चले जाओ, थ्री के उधर चले जाएंगे तो फिर क्या हो जा रहा है कि दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा, इसे जैसे इधर आएंगे तो x माइनस थ्री का क्यूब हो या x माइनस थ्री का पावर वन हो या x माइनस थ्री का पावर फाइव हो, ऑल ऑफ दीज हैव सिमिलर बिहेवियर, राइट, ऑल ऑफ देम विल चेंज देयर साइन अक्रॉस थ्री, सो थ्री के इधर आते ही क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी अपना साइन चेंज कर लेगा, तो पॉजिटिव से इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जैसे इससे इधर आ रहे तो x माइनस थ्री का क्यूब तो सेम रह जाएगा, बट यहाँ पर x जो बिहेव कर रहा था उससे x अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा इधर, विच इम्प्लाइज x अपना साइन चेंज कर लेगा, बिकॉज x जीरो के आगे पॉजिटिव है, जीरो से पहले x जीरो के इधर नेगेटिव है, जैसे माइनस टू पुट करेंगे ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव आ रहा है, x में टू पुट करेंगे सेट का जोन में तो पॉजिटिव आ रहा है, तो जैसे हम इधर आएंगे फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो वी कुड हैव इजीली वर्क दिस वे, इवन फैक्टर्स को हटा दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू जीरो हमने ले ही लिया है और ऑड फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली आंसर निकाल लिए। The question is greater than or equal to zero, तो ये zone और ये zone pick कर लेंगे, zero के लिए one, three, zero and four चारों pick कर लेंगे। This is our answer. So in case somebody didn't know the exact rules by which things are done, यही करते। मतलब as a student in case मुझे कुछ नहीं पता था, मैं यही करता। ठीक है? तो this is what we भी करवेस। But like थोड़ा सा और मैं illustrate करता हूँ कि exactly उसमें करते क्या हैं। मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर है ही, तो इसमें ज्यादा क्या कहते हैं, जब हम वेवी कर्व जब करते हैं तो हम प्लॉट करते हैं सारी वैल्यूज सबके रूट्स को, वही मैं बोल रहा था अभी, जस्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने वाला अक्षत, कि इट्स लाइक इन केस किसी को नहीं पता है एज अ रूल कि क्या करते हैं ना, तो सिंपली ये करते हैं, जैसे तुम मान लो स्टूडेंट होते तो ऑब्वियसली यू कुड हैव यू वुड हैव गॉन दिस वे ओनली कि पॉजिटिव पॉजिटिव हटाओ जीरो मिल गया आंसर बाकी कर लो, इतना नहीं सोचने आते कि जो इसको क्यों हम फोर को क्यों लिख रहे हैं वन को क्यों लिख रहे हैं, दैट डजंट सीम लॉजिकल। होता क्या है जब ये डिनोमिनेटर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं थिंग्स आर देयर, तब क्या होता है ना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, सो वी इंक्लूड ऑल द फैक्टर्स जस्ट टू इंश्योर कि हमारे इक्वल टू जीरो मिस ना हो, ये ना हो। सच्ची बताओ, मान लो कि मैं स्टूडेंट को ऐसे ही 9-10 से पढ़ा रहा हूँ और कोई किसी से नहीं पढ़ रहा है, आई वुड से दिस थिंग, तुम लोग ऑटोमेटिकली फॉलो करोगे आंसर ले आओगे, कभी ट्रबल इसमें नहीं होगा।
बट जस्ट एज अ रूल जो बचपन पढ़ते हैं ऐसे करो ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप वी डू ऑल द थिंग्स दैट यू सेड ओके एंड यस सर क्योंकि जब डिनोमिनेटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सो वी आर सेइंग दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट दोस आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो डिनोमिनेटर होते ही गलतियां होंगी सो अनलेस एंड यू एक्सट्रीमली केयरफुल कैन ऑब्जर्व थिंग्स वेरी फास्ट एंड वेरी नाइसली कर लेना अच्छा ही होता है इट्स नॉट बैड एनीवेज आई विल कंटिन्यू विद दोस स्टेप्स एज वेल मैं इसके बाद वही बताने वाला था अब वेविकर में स्पेसिफिकली क्या करते हैं कि जहां पर भी ये फैक्टर जीरो या जीरो होने में दिक्कत कर रहा है उनको नोट डाउन कर लेते हैं जैसे ये जीरो है ये वन है ये थ्री है फोर है तो जीरो वन थ्री एंड फोर इन सबको मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है ओके व्हाट डू वी देन क्लेम वी क्लेम सिमिलर काइंड ऑफ थिंग फोर के उधर चले जाएंगे तो सारे क्वांटिटी पॉजिटिव है हर तरीके से पॉजिटिव रहेगा चेंज नहीं करेगा तो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं व्हाई दे आर पॉजिटिव एक्स को बहुत बड़ा डालोगे तो भी पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव सब पॉजिटिव है सो लाइक उस साइड सारा पॉजिटिव रहेगा जैसे हम फोर को क्रॉस किए अब देखने का ट्राई करते हैं फोर को क्रॉस किए अब ये तीनों क्वांटिटी तो फोर से इनको कोई मतलब है नहीं जो साइन यहाँ था वही सेम साइन यहाँ पर था इनको इन्होंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया x माइनस फोर के पावर फोर का यहाँ पे चांस है नाउ व्हेन वी कम फ्रॉम हियर टू हियर x माइनस फोर का पावर फोर डजंट चेंज साइन कोइंसिडेंटली डजंट चेंज साइन बिकॉज ये तो हमेशा ही पॉजिटिव इसको फर्क नहीं पड़ रहा फोर आए थ्री आए टू आए जीरो हो सकता है यहाँ पर अदरवाइज ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव सो फोर के क्रॉस भी ये साइन चेंज नहीं किया That's why, इससे पहले मान लो फोर प्लस चल रहा था इधर भी प्लस रह जाएगा इससे पहले प्लस रह रहा था तो इसके बाद भी प्लस रह जाएगा ऑलराइट वो साइन चेंज नहीं कर रहा यही हम कल डिस्कस कर रहे थे जब वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन चल रहा था ट्रिगो इनइक्वालिटी का कि जहां पर दो ये आ गए थे दो एंगल्स सेम आ गए थे साइन के कारण भी आ गए थे कॉस के कारण भी आ गए थे तो वहां पे साइन चेंज इसलिए नहीं किया था बिकॉज साइन भी अपना मतलब साइन मतलब वो भी अपना साइन चेंज कर लिया कोसाइन भी अपना साइन चेंज कर लिया सो इफेक्टिवली हुआ क्या साइन चेंज हुआ नहीं टू ऑफ द फैक्टर्स व्हेन दे चेंज साइन वहां चेंज हुआ नहीं था साइन ठीक है बट लाइक यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे एक ही फैक्टर में वो दो बार या चार बार डाला हुआ है बट एसेंस देखोगे तो एसेंस इज सेम ओके एसेंस इज सेम व्हाई इज साइन नॉट चेंजिंग बाकी ने बिहेवियर चेंज नहीं किया इसके अकॉर्डिंगली स्टडी करो इसने अपने बिहेवियर चेंज नहीं किया सो एवरीथिंग इज फाइन ऑलराइट Now, इसने अपना साइन चेंज नहीं किया इसके बाद मान लो थ्री की इधर जैसे आएंगे तो ये प्लस था यहाँ पर लेकिन x माइनस थ्री का क्यूब है थ्री के अराउंड क्यूब तो अपना साइन चेंज करेगा क्यूब पावर फाइव पावर सेवन दीज ऑल विल चेंज देयर साइन व्हाई बिकॉज ओके ओके जस्ट वन सेकंड ऑलराइट सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि थ्री के जस्ट बाद इधर प्लस था थ्री के इधर आते ही ये क्या हो जाएगा माइनस बिकॉज x माइनस थ्री का क्यूब है x माइनस थ्री का क्यूब x माइनस थ्री का पावर फाइव साइन के अकॉर्डिंगली तो सब सेम बिहेवियर है ना जहां वो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव जहां वो नेगेटिव है वो ये नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंगली सब सेम है सिमिलरली x माइनस थ्री का मॉड x माइनस थ्री का स्क्वायर x माइनस थ्री का पावर फोर दे ऑल आर सेम है ना दे ऑल आर सेम देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज क्वांटिटीज एनीवेज तो थ्री के जैसे ही इधर आएंगे ये प्लस से अब क्या हो जाएगा माइनस वन पे फिर से ये देखेंगे यहाँ स्क्वायर है विच इंप्लाइज ये साइन सेम रह जाएगा वन पे आते इधर साइन सेम रह जाएगा फिर इसके जीरो की इधर आते ही क्या हो जाएगा माइनस से प्लस सो दिस इज व्हाट वेवी कर्व डज एंड वेवी कर्व ये बोलता है कि सारे क्वांटिटीज को लिख लो उससे क्या होगा तुम्हारा मिस्टेक होने के चांसेस घट जाते हैं व्हेन थिंग्स आर इन डिनोमिनेटर एज वेल बट यू कैन ऑलवेज बी वेरी स्मार्ट एंड लाइक सॉल्व अकॉर्डिंग टू व्हाट द सिचुएशन इज है ना इट्स लाइक सीखो सारी चीज सीखो लेकिन स्मार्ट होना बहुत नेसेसरी होता है इन द सेंस दैट जो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंगली वर्क करो I have seen very difficult questions being solved like in one or two minutes because students understood the question like this. ना इस साल भी स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ देर आर सम क्वेश्चंस जहाँ पे मैं भी ऐसे हो जाता टेंडेंसी बिकॉज ऑफ सॉल्विंग मतलब इतना सबको सॉल्विंग बोलते होता क्या टेंडेंसी जो कई देर कम सा क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इसका एरिया निकालो आंसर निकालो एंड पॉसिबली हो सकता है तीन मिनट ही लगेगा देर इज अनदर स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन एक्चुअली ही हैज कम अप विद दिस आइडिया कि सर ये वाला जो क्वांटिटी ने आईटी ने सेट किया ऐसा कुछ था देयर वाज सम क्वांटिटी आई वांट टेल यू वरना उस समय स्ट्राइक कर जाता है अभी मैं देख रहा हूँ बच्चों कभी कभी बोलते रहते हो टाइम पास स्ट्राइक कर जाता है एग्जाम में सर अपने क्लास में बोला था इसलिए याद करके कि मिस्टेक होने का चांसेस रहते हैं एनीवेज सो व्हाट आई एम सेइंग वाज दिस प्लस समथिंग लिखा हुआ था से सपोज कर लो कांस्टेंट हियर वाज 3 पाई ठीक है और यहां पर समथिंग यहां था a + 3 पाई द एरिया इज a + 3 पाई फाइंड a ऐसे कुछ था ठीक है और उसमें कुछ इन्वॉल्व था सपोज कर लो एक एलिप्स इन्वॉल्व था उसमें सपोज कर लो एलिप्स में कुछ ये एरिया था या एलिप्स के ऊपर का या कहीं पे एरिया था ऐसा मान लो समथिंग था एलिप्स और उससे इन्वॉल्व एरिया था ठीक है अब दिस वाज ऑब्वियसली नॉट द क्वेश्चन ठीक है And this was obviously not the point, but the idea was similar. उसने बोला सर कि ठीक है, ellipse में हमको पता ही होता है इसका area pi है, so effectively if the question is
मतलब वंस अगेन आई एम डिस्टॉर्टिंग द आइडियाज हियर, डिस्टॉर्टिंग द पॉइंट्स हियर स्लाइटली अ बिट. सो उसके ऊपर एग्जैक्टली मतलब एसेंस समझना. उसने बोला कि सर इसमें पता है सर ये 3 पाई एरिया तो आना ही था, तो इफेक्टिवली 3 पाई देने का सेंस क्या था कि ये 3 पाई इसका है, तो a + 3 पाई दिया व्हिच इंप्लाइज लाइक हम लोगों को इफेक्टिवली सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कुछ यहां सपोज कर लो कि ऐसे और ऐसे था, हमको सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेपेजियम का एरिया और ये ट्रेपेजियम का एरिया ऐड करना है. अदरवाइज व्हाट यू हैड टू डू वाज कि ये ट्रेपेजियम और इस कर्व के बीच का एरिया ऐड करना था समथिंग, और कुछ कुछ पूरा निकालना था, पूरा निकाल करके फिर तुम इक्वेट करते, फिर तुम ऑब्जर्व करते कि 3 पाई क्यों है, उसके बाद आंसर लगाते. Those things become very lengthy in exam. But if you are able to observe that why that 3 pi has been put in exam, तो क्या होता है ना, तो smartness के कारण तो बहुत अच्छा करना शुरू करता है. Exam में बहुत fast भागती चीज़ें. All right. Why I'm telling all these things? Generally, जितना धीरे-धीरे करें, हमको सारी चीज़ सीखना है. But end में जाकर के वो सारी चीज़ समझना भी शुरू करना है कि why are these quantities there? ऐसा क्यों है? क्या नहीं है? But हाँ, ये सब smartness क्या होता है? IIT में ही set होता है. Generally, those papers ज़्यादा set नहीं हो पाते. I've also tried during my time कि मैं तुम लोगों के अच्छे पेपर उस टाइप पे सेट करूँ. Generally, it requires lots of time and lots of energy and like extreme amount of intellect as well. Now, kudos to those professors. They set very nice papers, actually. Very nice. Tum paper actually time mein kar sakte in case you can observe things very nicely. Theek hai? So, achha, anyways, getting back to the question, what my point was, jaise maan lo situation aa raha hai, we do not have to always go through what I have taught or what you generally learn. You can always be smarter in a question. Lekin haan, itna aasani se hota nahi ho cheez. Wo ek saal tak lag jata hai time at least develop karne mein. 2 saal ke baad hi jaake usme acha hota hai. Theek hai? तुम्हारे सीनियर्स में, इमीडिएट सीनियर्स में कुछ कुछ का हमेशा स्टार्टिंग में क्वेश्चन रहता था, सर ये चीज कब हम लोग समझ पाएंगे कि ऐसा हो पाएगा, कब ये हो पाएगा, कब वैसे हो पाएगा. मतलब जनरली इतने क्वेश्चंस का आते नहीं है, बट लाइक ठीक उनके आते थे बहुत. सो माय सिंगल एडवाइस नाउ आई हैव सीन देम चेंजिंग, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दे आर एक्चुअली बिकमिंग लॉट स्मार्टर एंड राइट नाउ. सो मतलब मैं सिंपल सा पॉइंट है, हैव पेशेंस. 11th का पूरा जो लर्निंग होता है वो मैथ्स एब्सोल्युटली चेंज कर देता है, बहुत ज्यादा चेंज करता है. So 11th के एंड तक वेट करो, अपने आप देखोगे कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. ऑलराइट, एंड लॉट्स ऑफ यू स्टूडेंट्स आर एक्चुअली वेरी स्मार्ट एंड वेरी गुड एट मैथ्स, आई कैन सी दैट. बट स्टिल आई विल से 11th का मैथ्स बहुत सारी चीजें चेंज करेगा, वेट करना उसका रियल टाइम के लिए. ओके, नाउ व्हाई डिड आई से दोस थिंग्स, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है, यू नीड नॉट गो ओनली विद वेवी कर्व, यू कैन ऑलवेज बी स्मार्टर. की पॉजिटिव पॉजिटिव हटाओ ने ऊपर में, इसके अकॉर्डिंग हमको आंसर दिख रहा है. आई डू नॉट इवन नीड टू राइट दिस थिंग्स, एंड यू कैन विजुलाइज द आंसर डायरेक्टली. ओके, so I guess like you'll be doing that during your times, but har question nahi search karna hai, observe karna hai in sab cheezon ko, kis question mein fayda hai, kis question mein nahi fayda hai, dekhte rehna usse. Okay, so wavy curve anyways idea sabko samajh mein aa gaya hai. Ab is question mein se greater than or equal to 0 tha, to greater ke liye ye zone pick karenge, ye zone pick karenge aur ye zone pick karenge, hai na. Fir se dekho, ye zone isko chhod diya, ye zone pick karenge greater ke liye, lekin equal to 0 mein ye bhi aa gaya, ye bhi aa gaya, ye bhi aa gaya, ye bhi aa gaya. So effectively our answer is minus infinity से 0 complete, 1 अलग से curly bracket में आ जाएगा, 3 से लेकर infinity complete. Okay? और सबको brackets use करना आता है ना, close bracket, small bracket सबको use करना आता है ना interval के लिए? Yes sir. Starting movie पढ़ा देता था, but ठीक है, अभी मुझे पता है कि 9 10th में सब लोग clear है, तो अच्छे से इसे उसपे नहीं जा रहा हूँ. So A, B, these are the questions. Really, कर तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया इसे. Now let's get down to the question that we were discussing yesterday. ठीक है? तो इसमें किसी को doubt है तो पूछ लो एक बार. Sir, आप कह रहे थे इसमें कोई tricky variation बन जाती है. Sir, इसमें क्या बनेगा? मतलब या numerator या denominator? देखो, tricky variation का ऐसा point होता है. अब इतना भी नहीं. जैसे देखोगे तो sine, cosine involved हो गया तो already बहुत tricky हो गया. जैसे कल हम लोग कर रहे थे. ठीक है, वो भी आ जाता है. Technically इसी का part है. But generally होता कैसे? Denominator जैसे ये चीज है, बात एक अलग से आइसोलेटेड वैल्यू आ गया, राइट? यस सर. तो बहुत बार क्या होता है, ये तो इजी है, इसमें बहुत कम वैल्यूज है, डिनोमिनेटर भी इन्वॉल्व नहीं है. बहुत बार ऐसा आइसोलेटेड वैल्यू छूट जाते हैं, हम देखना हमारा मिस हो जाता है. समझ रहे हो? आइसोलेटेड वैल्यू नहीं देख पाते बिकॉज लाइक हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में ग्रेटर वाला जोर पिक करते, इक्वल टू 0 में ये मिस हो गया. या मान लो डिनोमिनेटर में इसी में x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो हम 1 को या x माइनस 1 का स्क्वायर फिर से लिखा हुआ है, तो इसको भी आंसर में ले लेंगे जबकि उसको एक्सक्लूड करना रहता है. ठीक है, तो डोमेन का बहुत सारा डिफिकल्टी आता है, बट एग्जाम में डायरेक्टली देखोगे तो मच बेटर रहेगा. ठीक है, होता है, गलतियां हो जाती हैं इन सब चीजों में. स्पीड, खासकर स्पीड जब कैच करते हैं ना, अपने मिस्टेक होते हैं, बट कोई बात है, सही टाइम पे देख लेंगे. सो एनीवेज, कल वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं. ओके, कल वाला क्वेश्चन जो था वो एग्जैक्टली बताना क्या था, सेकंड वाला जो मैंने इक्वेशन लिखा था, sin x - 1/2 था क्या? यस सर. इनटू cos x - √3/2 ऐसा? यस सर. यस सर. Greater than equal to 0.
जीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट सेम जैसे विविकर्म में करते हैं, कहां वो जीरो हो रहा है क्यों देखते हैं वो कहां पे जीरो हो रहा है, बिकॉज जब जहां पे जीरो हो रहा है उसके एक साइड में पॉजिटिव होगा दूसरी साइड में नेगेटिव होगा, मोस्टली ऐसे ही होता है इनकेस इट्स अ कंटिन्यूअस कर्व। बट मान लो कंटिन्यूअस कर्व नहीं है तब चीजें चेंज कर जाती है, जैसे टैन में होगा, हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें देखेंगे। क्या बोला आपने, सुना नहीं मुझे। अच्छा मैंने ये बोला कि जैसे sin x होता है, sin x को सिंपली ग्राफ वाइज देखने का ट्राई करोगे तो हाउ डज इट बिहेव, sin x इज दिस वन करेक्ट, इट्स अ कंटिन्यूअस कर्व। यहां पर देखोगे दिस इज हाफ राइट, ये हाफ है बिकॉज ये वन है तो ये हाफ आ गया। तो देखो sin x हाफ से बड़ा जो है वो एक जोन में, इसके पूरे बीच में sin x हाफ से बड़ा है, इसके पूरे यहां से लेकर के जैसे नेक्स्ट जोन देखोगे यहां तक, यहां से लेकर के पूरा पूरा यहां से लेकर यहां तक ये पूरा जोन है हाफ से नीचे, हाफ जो लाइन है उसके नीचे। तो sin x बीइंग अ कंटिन्यूअस कर्व है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब कंटिन्यूअस कर्व, होता क्या है कि हाफ से बड़ा एक जोन में रहेगा, हाफ से छोटा एक जोन में रहेगा। तो साइन के लिए हम बहुत आसानी से क्या कर रहे हैं, हाफ पर साइन एक्स इक्वल हाफ वाला निकाल ले रहे हैं, इस जोन में साइन एक्स हाफ से बड़ा रहेगा दिख रहा है, वैल्यू पुट करके पता चल रहा है बिकॉज यहाँ पे साइन वन होता है, और इस जोन में साइन एक्स हाफ से छोटा होगा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है, इधर इनके हाफ से बड़ा इधर हाफ से छोटा हो जाएगा। ओके सो एक बार वापस आते इस पॉइंट पे, तो मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा देता हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये सब करना जरूरी है बट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी ये चीज हटा दिया हूँ ठीक है। नाउ दिस इज लाइक 5 बाई 6, इसको ऐसे करते डॉटेड कर देते ठीक है, एंड cos x इक्वल टू √3 बाई 2 के लिए भी 5 बाई 6 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा माइनस 5 बाई 6 करेक्ट, एक 5 बाई 6 आ जाएगा दूसरा क्या आ जाएगा माइनस 5 बाई 6, ये दोनों आ जाएगा cos x इक्वल टू हाफ के लिए। ऑलराइट जस्ट वन, so this is sin x equal to half, this is cos x equal to root 3 by 2. Now इसमें जैसे ही लिख रहे हैं तो cos x equal to root 3 by 2 यहाँ और यहाँ दोनों हैं, तो ये करते हो कि यहाँ पे already double arrow डाल दो because like वो कुछ symbols थोड़ा बहुत बना ही लेना पड़ता है mind में जो कि उसी समय बना लो जिसके अगर mistake ना हो, इसका मतलब पता चल रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि sin x equal to half के कारण आ रहा है, cos x equal to root 3 by 2 के कारण भी ऐसा साइन आ रहा है। Not the final solution that I told, मैं उसी पे डायरेक्टली आता हूँ। वो solution ये था कि इस जोन में sin x कोई भी एक जोन पिक कर लो, जैसे इस जोन पिक कर लो या ये जोन पिक कर लो या ये जोन पिक कर लो, कोई भी तीन zones में आ गए हमारे, इट्स कंटिन्यूस फंक्शन इसलिए और कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो बोथ आर कंटिन्यूस फंक्शन sin एंड cos, सो इफेक्टिवली कोई भी जोन पिक कर लो, ये जोन पिक कर लेते हैं, यहाँ पे sin x भी हाफ से बड़ा है एंड cos x नहीं, cos x रूट 3 बाई 2 से छोटा है, तो ये वाला क्वांटिटी यहाँ पे पॉजिटिव है बट ये क्वांटिटी यहाँ नेगेटिव है, तो टोटल ओवरऑल ये क्वांटिटी ये प्रोडक्ट यहाँ पर नेगेटिव हो गया। ओके अब इसके बाद भी तुम हर जोन में एनालिसिस कर सकते हो या फिर अब तुमको वो सब चीज करने की जरूरत नहीं है, फास्टर करो खत्म करो इस चीज को। कैसे, ये माइनस है हमको पता है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट्स कंटिन्यू बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, तो दिस इज माइनस और दिस इज बाउंड टू बी माइनस खत्म, एंड इफ दिस इज वाई बिकॉज दिस इज डबल रूट हियर, डबल रूट का मतलब जो भी साइन है वही सेम रह जाएगा, थ्री टाइम्स रूट आता तो माइनस के बाद यहाँ पे प्लस हो जाता ठीक है ना। रूट इज टेक्निकली रॉन्ग टर्म हियर इन द सेंस दैट रूट जनरली हम लोग यूज करते हैं पॉलीनोमियल्स के लिए, बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन जिसमें कि बहुत अलग अलग जगह यूज कर देते हैं, माई सेल्फ ऑल्सो यूजिंग दिस वन, बिकॉज रूट नहीं बोलूंगा ना तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, सो क्या बोलूँ, इट्स नॉट ए सॉल्यूशन बोलना गलत होता है बिकॉज ये वाला इसका सॉल्यूशन वाइज तो एक ही सॉल्यूशन है ठीक है, मतलब दो अलग अलग जगह आ रहा है बट मतलब इट विल काउंटेड एज वन सॉल्यूशन टू दिस इक्वेशन, बट रूट दो बार बोलने का मतलब होता है कि एक बार यहाँ भी अपेयर कर रहा है यहाँ भी अपेयर कर रहा है, सो वो सेंस समझ लेना, बट रूट इज टेक्निकली यूज्ड मोस्टली इन लाइक पॉलीनोमियल्स में यूज करते हैं ठीक है। सो दिस इज माइनस, दिस इज आल्सो माइनस बाय द वर्च्यू ऑफ दिस बीइंग डबल रूट, वंस अगेन द टर्म रूट, नाउ दिस बीइंग माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, व्हाई बिकॉज साइन चेंज करेगा इसके अराउंड, इसके अराउंड भी देखो साइन चेंज होकर प्लस ही आता है, सो एनीवे दिस इज द केस, क्वेश्चन इज ग्रेटर इक्वल टू 0, सो आई विल पिक दिस जोन एज वेल एज दिस एंगल, तो ये कल हम लोगों ने किया था। तो अब वाला पॉइंट सबको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा और इलस्ट्रेट करने के लिए देखना मैं इसको समझा रहा हूँ, यहाँ पे माइनस आ रहा है समझ में आ रहा है बिकॉज कंटिन्यूअस जोन है, कोई भी एक पुट करो देखोगे माइनस आ रहा है तो माइनस आएगा ही आएगा ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो देखो हो क्या रहा है कि यहाँ से यहाँ में सब जैसे यहाँ देखो साइन एक्स माइनस हाफ यहाँ पे क्या था, इस जोन में साइन एक्स माइनस हाफ क्या था पॉजिटिव था, और इस जोन में इसको जोन वन बोल दो इसको जोन टू बोल दो ठीक है, तो वन जोन और टू जोन में लिख रहा हूँ ठीक है, इस वन जोन में ये पॉजिटिव था और वन जोन में ये वाला चीज नेगेटिव था, दैट्स व्हाई माइनस साइन। टू जोन में जाने के बाद वो क्या है, ये वाला साइन एक्स माइनस हाफ है ये प्लस से माइनस हो गया, लेकिन ये वाला क्वांटिटी भी माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, दोनों ने साइन चेंज कर लिया, दोनों ने साइन चेंज कर लिया तो ऑब्वियसली टोटल साइन तो सेम ही रह जाएगा ना, टोटल साइन तो सेम ही रह जाएगा,
So that's why this were, this was minus, this also remains minus. This was minus, this also remains minus. Okay, both remains minus. सबके बात समझ में आ रहे हैं? And in a similar way, यहाँ से यहाँ तक आने में, just because there is one root involved, which is because of cos x minus root 3 by 2, तो जो भी यहाँ change होगा sign का सिर्फ cos x minus root 3 by 2 के कारण होगा, which implies यहाँ minus था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Plus. या minus था तो यहाँ क्या आ जाएगा? Plus. All right, सबको clear है? ठीक है, I guess you are clear है. तो मैं इसके बाद सर अगर cos x minus half होता तो मतलब जो उनका बीच का एक रीजन आना था जो डबल रूट है अब तो वो पॉजिटिव होता देखो cos x minus half हो जाता तो डबल रूट कहीं पे हो नहीं पाता वही सर मतलब उनके बीच एक रीजन आ जाता ना कि जो हमने अब मान लो कि वो जो रीजन आ गया तो 1 2 3 4 देयर आर 4 रीजंस बस प्लस माइनस कर दो वो भी एक रीजन में फाइंड कर लो पता है सिंगल सिंगल रूट है प्लस माइनस ठीक है ओनली बिकॉज साइन एंड कॉस आर कंटिन्यूअस फंक्शन ओवर द होल डोमेन इनके जैसे टैन एक्स इन्वॉल्व हो जाएगा चीजें चेंज कर जाएंगे और भी कुछ इन्वॉल्व होगा जो ब्रेक करता डोमेन चीजें चेंज कर जाएंगे बिकॉज देखेंगे अपने क्वेश्चन वाइज अंडरस्टैंड करेंगे तो अपना क्लैरिटी आ जाएगी है ना बिकॉज मेरे ख्याल से तो मतलब साइन एक्स कॉस एक्स के लिए सिर्फ रिपीटेड रूट्स पे ही साइन सेम रहेगा और किसी केस में नहीं थोड़ा सा और इलस्ट्रेट करो अपना क्वेश्चन सर जैसे मतलब कि जब ये रिपीटेड रूट सा बन रहा है हमारे पास डबल एरो सर तो मतलब सिर्फ जब ऐसा केस बनेगा सिर्फ तभी साइन सेम रहेगा नहीं ऐसा जरूरी नहीं है सी सपोज साइन एक्स माइनस वन वाले केस में भी रहेगा हम बताइए देखो जैसे मतलब उसमें बहुत इजीली निकाल सकते हैं हाँ मतलब देखो पॉइंट ये है ना कि आने दो सिचुएशन अपने आप समझ जाओगे मेरा तुम लोग सबका पॉइंट राइट है बट सिचुएशन कैन ऑल्सो चेंज व्हेन देयर आर डिसकंटीन्यूअस फंक्शंस बिकॉज ये यहाँ पे सेम इसलिए रह जाता है उनको पता है कि कंटिन्यूअस रहेगा ये अपना इसके क्रॉस साइन चेंज करेगा इनकेस देयर डिस्कंटिन्यूअस मैं कंटिन्यूअस की बात ही कर रहा हूँ हाँ तो एब्सोल्युटली सी एब्सोल्युटली अब देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत जैसे उसने बोले 1 माइनस साइन एक्स है 1 माइनस कॉस एक्स हो गया तो वो क्वांटिटी आपको पता हर जगह पॉजिटिव है तो वंस अगेन उसका भी देखने का ट्राई करेंगे हर जगह पॉजिटिव रहेगा वो चीज ठीक है तो मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देख लेंगे समझ लेंगे कि वहां पर वो एक्चुअली साइन चेंज कर रहे हैं नहीं कर रहे जैसे कॉस एक्स इक्वल रूट 3 बाय 2 यहां पे डाले हैं और यहाँ पे सिंबल इसलिए डबल किया बिकॉज उनको पता है यहाँ साइन चेंज कर रहा था बट यही सपोज कर लो मेरे पास यहाँ cos x ऐसे कुछ रहता cos x नहीं मैं समझ रहा हूँ तुम लोग क्या पॉइंट है तो लेट मी पुट डाउन अ क्वेश्चन वहां से हम देखते ज्यादा अच्छा रहेगा ना मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा तो मजा क्या रहेगा इस चीज का लेट मी पुट डाउन टू और थ्री मोर बेसिक क्वेश्चंस रादर देन कॉम्प्लिकेटेड वंस एंड देन वी विल गो डाउन टू दोस क्वेश्चंस दैट वर कॉम्प्लिकेटेड लास्ट टाइम ठीक है उसके फिर कर लेंगे अच्छा एक और हेल्प कर देना मुझे Like somebody can, like somebody send me all the questions that I have given till now. उसका एक फोटो खींच के दे जैसे अभी 4, 5, 6, 7 जो भी क्वेश्चन होंगे ना मुझे भेज देना so that I can also verify the answers of those, solve कर लूंगा फिर क्लास में डायरेक्टली डिस्कशन कर लेंगे फास्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा ठीक है और दो तीन मैं बहुत प्रॉपर इलस्ट्रेट कर दूंगा ठीक है सो आई विल गिव यू किसको चिन्मय चिन्मय yeah. As CR of class, you have this responsibility. Okay, Chinmay? भी अगले बार हेल्प करेगा मोस्टली आनी चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ मान लो सब आ सकती है सो नहीं पढ़ा रहा हूँ वो भी आ सकती है इसके लिए हमेशा रेडी रहना दिस इज अ वेरी बैड बैच फॉर दैट यू कैन ऑलवेज गेट क्वेश्चन आई रिमेंबर स्पेसिफिकली तारुष के बैच में ऐसा हुआ था कि उन लोग का एरिया खत्म हुआ था दो दिन पहले और उसके मतलब ऑब्वियसली एक फ्राइडे को खत्म हुआ एरिया का संडे को टेस्ट हो रहा है एंड दे विल एक्चुअली स्कोर्ड ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू फुल स्कोर एक्चुअली आउट देयर हो जाता है मैनेज कर लेते हैं सब तो यू विल आल्सो हैव टू मैनेज सिमिलरली लेकिन इस टाइप के 11th में कम रहेगा 11th में तुम लोग सिलेबस जनरली सर लेगा हमें संडे के लिए बताना था टेस्ट के लिए सो मैंने जैसे बोला था कि अभी जस्ट तुम लोग को क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटी के लिए ये वाला दे दियो ठीक है सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन जैसे मैंने एक बार फिर से एक्सप्लेन करा था व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव जस्ट हैव टू सेंड मी सॉल्यूशन लाइक दिस कि तुम लोग इसके अकॉर्डिंगली रीजंस डिवाइड कर लो जहां पे प्लस आ रहा है वही रहने दो ग्रेटर पूछा हुआ है माइनस पूछा हो तो छोड़ दो और जहाँ पे इक्वल टू जीरो हो रहा है सपोज यहाँ और यहाँ वहाँ ब्लैंक डॉट से करो सो ऑटोमेटिकली आई नो व्हाट योर आंसर इज यू डोंट हैव टू राइट अबाउट द रीजंस यू डोंट हैव टू यूज सेट सिंबल्स एंड ऑल यू जस्ट हैव टू राइट द यू हैव जस्ट हैव टू सेंड मी दिस डायग्राम
दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, इज स्लाइटली ट्रिकी, आज भेज देना मुझे, ठीक है? ऑल राइट, टेक केयर गाइस, अभी मैं यहीं पर तुम लोगों को सब